जय हिंद। मेरा नाम दिलकश है और आप दिलकश एजुकेशनल देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीरो टू हीरो बैच के इस खास एपिसोड में और धमाकेदार नए एकदम बेमिसाल एपिसोड में। और बहुत ही एनर्जी के साथ इस क्लास 12 को हम जब ख़त्म करेंगे तो बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की इस क्लास में, क्योंकि आज की इस क्लास में एक से एक नए बढ़कर जो है सो एकदम एडवांस लेवल तक जाकर आपको एकदम जीरो से हीरो तक की सारी चीज़ें इससे क्लास के अंदर में आपको बतानी है। मतलब जो प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे क्लास 11 में हमने पढ़ा था, तो उसी के सीरीज में अब क्लास 12 में हम प्रोनाउन को ही पढ़ेंगे। और ये आज के बाद में एक और क्लास होगा तो फिर प्रोनाउन आपका खत्म हो जाएगा, है ना। 9 नंबर प्रोनाउन मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर 10 नंबर प्रोनाउन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और उसके बाद में आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। और 14वें जो क्लास होगा, 14वां जो हमारा 14 क्लास होगा, उसमें हम एडजेक्टिव को बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट कर देंगे एकदम बिल्कुल जीरो से। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग माफ़ कर देंगे, क्योंकि बीच में जो क्लास 11 था ना, उसके बाद में कुछ दिनों के लिए गैप हो गया हुआ था। कुछ निजी कार्यों की वजह से मैं नहीं वीडियोस बना पाया और उसके बाद में बीच में थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, है ना, थोड़ा सा बिगड़ा था। हालांकि कुछ निजी कारण थे जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से और उम्मीद तो इतना कर ही सकता हूँ कि आप लोग माफ़ कहेंगे। सो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीरो टू हीरो बैच के इस फ्रेश कमाल नए क्लास में। तो क्लास 12 है ये, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सो हर क्लास की तरह इस क्लास का भी आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास पर मैं 100 लाइक कायम रखता हूं और आप सभी से उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे इस एम को जरूर पूरा करेंगे। और जल्दी से जल्दी लाइक करिए और उसके बाद में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। मैं बहुत ही ख्वाहिश है कि 1000 सब्सक्राइबर इस पर जल्द से जल्द पूरा हो, और ये आप लोगों के सहायता के बिना मतलब नहीं हो सकता है पूरा, है ना, जितने भी कोशिश मैं कर लूँ तो ये जो है सो आप लोग ही कर सकेंगे। तो चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब क्लासेस और भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, और भी कुछ जो मेरे मित्र हैं जो पढ़ा सकते हैं, जिनको ऑनलाइन पढ़ाने की उतनी आदत तो नहीं है, और आदत क्या मतलब पढ़ाया ही नहीं उन्होंने, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो वो सारे को मैं ऑनलाइन फ्री में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तब जाके देश का कुछ हो सकता है। सो प्यारे बच्चों, उन सभी को लाने के लिए चैनल बड़ा थोड़ा हो जाए तो अच्छी बात होगी, है ना। सो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के ऊपर है, बाकी मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही टोटली। सो आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं 1 रुपया भी आप लोगों से नहीं लूंगा कभी भी इंग्लिश का, ये जो बैच होगा जीरो टू हीरो बैच का इसका। सो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा, 1000 जल्द से जल्द पूरा करिए यार। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें दो तीन चीज आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो ये आपका डेफिनेशन है जिसको याद आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये आपका जो एग्जांपल है इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद में यहाँ पर एक और स्लाइड है, हु सब्जेक्टिव केस और हुम ऑब्जेक्टिव केस, ये तीन चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है, तब जाके आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिंदगी में कभी खराब नहीं जाएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि आप किसी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जाएंगे। हालांकि कंपटीशन के एग्जाम का जो इंग्लिश होता है किसी भी नौकरी के लिए, तो उसका जो इंग्लिश होता है उसका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है ना, एरर डिटेक्शन डिटेक्ट करने का चीज़ होता है, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन आपका बेसिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आपका 12th तो करदा जाएगा, ये बात बता देता हूँ पहले ही। और जीरो टू हीरो बैच का मतलब ही यही है। सो प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है वैसा सर्वनाम जिससे संबंध का वो बोध हो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वैसा प्रोनाउन जिससे किसी के रिलेशन का बोध हो, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे पहले कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। वैसे अगर प्रोनाउन अगर आप नए हैं तो प्रोनाउन का जो नया स्टार्ट हुआ था ना जहाँ से, शुरू तो आप करिए क्लास 1 से ही, लेकिन अगर आप प्रोनाउन ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है वहाँ से आप क्लिक करके और शुरू से पढ़ लीजिएगा। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, और प्रोनाउन का मतलब आप समझ सकते हैं कि वैसा नाउन, वैसा वर्ड जो नाउन के बदले में यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले में यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि वैसा नाम, वैसा संज्ञा जिसके बदले, वैसा
शब्द जो नाम के बदले में, संज्ञा के बदले में यूज हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम दिलकश है, तो मैं कहूँगा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा, मैं जो शब्द आएगा, ये मैं शब्द किसके लिए आएगा? दिलकश के लिए। दिलकश नाम है, नाम के बदले में मैंने मैं शब्द का यूज किया, तो नाम के बदले में जो शब्द यूज हुआ मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप लोगों को प्रोनाउन हल्का सा याद मैंने करा दिया होगा और फिर आपको याद हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैसा सर्वनाम जिसे संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, ये जो आपका डेफिनेशन, इसको समझेंगे, पर बिल्कुल आपको याद नहीं करना है इसको, है ना? आप याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन याद करना ये आवश्यक आपके लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ समझिए इसको। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर नाउन एंड रिलेट्स द नाउन टू द वर्ड्स यूज्ड आफ्टर देम। सो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हुम हु होता है, हुम, हुज, विच, व्हाट और जो दैट होता है, ये क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है? लेकिन कब होता है? तो जब दे आर यूज्ड, जब इनका उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? आफ्टर नाउन, संज्ञा के बाद में किया जाता है, नाउन के बाद में किया जाता है, और रिलेट्स द प्रोनाउन। और ये क्या करता है, ये जो शब्द हैं, ये क्या करते हैं कि नाउन का संबंध, रिलेश नाउन को जो है सो रिलेट कर देते हैं किससे, मतलब इसको का संबंध बता देते हैं किससे, तो नाउन के बाद वाले शब्दों से, है ना? जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पाएंगे। अभी हल्का सा मैं इसको समझा रहा हूँ, इससे पहले मैं दूसरा चीज समझाऊंगा, लेकिन समझिए इसको थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे जो हु शब्द है, ये हु शब्द क्या है? एक नाउन के बाद में आया है, आफ्टर नाउन है ना? बॉय क्या है? एक नाउन है, नाउन के बाद में हु आया है। तो ये उसके बाद में क्या कर रहा है? लव्स एवरीवन, ये जो एक वर्ड है, लव्स और एवरीवन, इसके साथ क्या कर रहा है? संबंध जोड़ दे रहा है, इस किसका? इस बॉय का। क्या कर रहा है? दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु लव्स एवरीवन, जो सभी को प्यार करता है। ये जो शब्द है ना, ये सभी को प्यार करने से इस लड़के के संबंध को जोड़ दे रहा है कि सभी को कौन प्यार करता है? तो भाई ये लड़का का करता है ना? तो ये जो हु है, ये संबंध दर्शा रहा है, ठीक? उसी प्रकार से होम होता है और विच होता है, फिर वाट होता है, हुज होता है ना? तो इससे पहले हम एक चीज बहुत ही नोट करने वाली, ये चीज है, अगर आप नोट कर सकेंगे तो कर लें, ध्यान से समझिएगा कि हु जो होता है ना और हुम जो होता है, ये हु और हुम आता है सजीव के लिए, ठीक है? निर्जीव के लिए नहीं आता है, सजीव के लिए आता है। और जो यहाँ पे जो विच आता है, विच ये आता है निर्जीव के लिए, है ना? ये आता है निर्जीव के लिए। अब निर्जीव में आप कार को रख सकते हैं, डॉग को हमने क्यों निर्जीव कहा जबकि ये निर्जीव है नहीं, है ना? तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है ना, इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा, इसके अंदर में क्या होता है कि जो छोटे छोटे चीज होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, किड्स, बेबी जिसको हम कहते हैं, मतलब इन्फेंट जो शिशु होते हैं, और उसके अंदर में कुत्ते, बिल्ली, इन सभी को हम नगण्य मान लेते हैं। कहने का मतलब कि निर्जीव टाइप से मान लेते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर में, तो इसीलिए वहाँ पे विच का यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कुत्ते की, तो यहाँ पे कुत्ता तो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ये सजीव है, लेकिन इंग्लिश में इसको, चूंकि ये आदमी नहीं है, तो ये इसको इसीलिए निर्जीव मान लिया जाता है ना? ठीक, उसी प्रकार से आपके बच्चा कोई होगा, यहाँ पे इन्फेंट होगा, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, नवजात शिशु, है ना? नया नया जन्मा हुआ, तो वो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, निर्जीव मान सकते हैं, है ना? तो वो चीजें होती है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करें, मैंने दो चीज आपको बताया अभी कि हु और हुम जो होता है ये सजीव के साथ होता है यूज, और उसके बाद में जो है सो विच का यूज होता है निर्जीव के साथ में। तो सजीव से हमारा मतलब है कि जो मतलब सजीव हो वो तो है ही, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ अगर हु हुम का ना प्रयोग करके विच का भी प्रयोग किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि अंग्रेजी भाषा के अंदर में इतना मान लिया जाता है। अगर कुत्ते के साथ यूज करना है, बिल्लियों के साथ यूज करना है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ यूज करना है, तो वहाँ पे आप विच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नगेन उन्हें मान लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दो चीज आपको समझ में आएगा। और एक और चीज आपको समझना है, यहाँ पे जो हु दिख रहा है आपको और हुम दिख रहा है, दोनों का मतलब समझिए, उसके बाद में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव क्या, मैं समझाऊंगा। दिस इज द बॉय हु लव्स एवरीवन, इसका हिंदी जो होता है ना, अगर आपको हिंदी तो नहीं समझ में आ रहा होगा ना,
क्योंकि आप तो अभी से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। जब हम हाई लेवल तक जाएंगे ना, आगे क्लासेस जब आप 40-50 क्लासेस तक, 30 तक क्लासेस जाएंगे, फिर आप तो एकदम फराटेदार अंग्रेजी के मतलब मास्टर हो जाओगे, समझ लेना। तो फिर आप अपने कमजोर दोस्तों को पढ़ाने लगोगे। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द बॉय हु लव्स एवरीवन, मतलब यह वही लड़का है हु लव्स एवरीवन, जो सभी को प्यार करता है। यहाँ पे ये जो हु शब्द है, इसका हिंदी क्या हुआ, जो, ठीक है। और नीचे वाला जो शब्द है, दिस इज द बॉय हुम एवरीवन लव्स, ठीक है। देखिए दोनों में सब चीजें सेम है ना, दिस इज द बॉय, यहाँ पर भी है दिस इज द बॉय, यहाँ पे लव्स एवरीवन, यहाँ पर भी एवरीवन लव्स, मतलब लव्स एवरीवन है, लेकिन चेंज क्या है, तो यहाँ पे हु है, यहाँ पे हुम है, ठीक है। तो इसका हिंदी हमने क्या पढ़ा था, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हु लव्स एवरीवन, जो सभी से प्यार करता है, सभी को प्यार करता है, सभी को प्रेम करता है ना। यहाँ पे इसका मतलब होगा, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हुम एवरीवन लव्स, जिसे सभी प्यार करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़का काम कर रहा है प्यार करने का, सभी से प्यार करने का। और दूसरा जो सेंटेंस है इसमें, ये लड़का प्यार करने का काम नहीं कर रहा है, उल्टा इसके ऊपर प्यार करने का काम किया जा रहा है सभी के द्वारा। इसका हिंदी क्या है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हुम एवरीवन लव्स, जिसे सभी प्यार करते हैं, मतलब सभी लोग प्यार करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इतना आप समझे, अभी तक समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नो मतलब डोंट वरी, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक समझाया ही नहीं है, अभी तो समझाना स्टार्ट किया। देखिए हु कब लगता है, हुम कब लगता है, हु और हुम तो सजीव के साथ लगता है, इतना हमने जाना, लेकिन प्यारे बच्चों हु कब लगता है और हुम कब लगता है, तो जो हु तब लगता है जब सब्जेक्टिव केस हो, ठीक है। सब्जेक्टिव केस अब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे आराम से इजीली, कि दिस इज द बॉय, ये जो लड़का है ना बॉय, ये क्या कर रहा है, देखिए सब्जेक्ट कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है, पहले ये समझिए, सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट, वैसे तो आप लोग को सब पता होगा, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करे, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में सब्जेक्ट इसको कहते हैं, जो उस सेंटेंस में काम को कर रहा हो, करता, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके ऊपर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, नहीं होता है कि मर्डर मर्डर का केस लिखवाना है हमको और दूसरा मारपीट का केस लिखवाना है, तो ठीक उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट का केस है और ये ऑब्जेक्ट का केस है। तो जब सब्जेक्ट वाला केस हो, मतलब जब वहां पर जिस शब्द के लिए हम यूज करना है, वहां पर वो शब्द अगर, वो नाउन अगर सब्जेक्ट हो, तो वहां पर सब्जेक्टिव केस लगेगा और हु लगता है, और जहां पर वो ऑब्जेक्ट हो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगता है, हुम लगता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि हु क्या हमने पढ़ा कि हु सब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्टिव जब केस होता है तो हु लगता है, ऑब्जेक्टिव केस हो तो हुम लगता है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द बॉय, या वही लड़का है हु लव्स एवरीवन, जो सभी से प्यार करता है ना। तो लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो जब काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट वाला केस है ना, सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में क्या यूज करते हैं हम, सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं हु का। तो यहाँ पे इसीलिए हमने हु लगाया, दिस इज द बॉय हु लव्स एवरीवन, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, दिस इज द बॉय हुम एवरीवन लव्स, इसका हिंदी क्या हुआ कि यह वही लड़का है जिसे सब प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़का है ना, ये काम प्यार करने का काम ये कर नहीं रहा है, उल्टा इसके ऊपर काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर में कौन है, एवरीवन सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन है, बॉय ऑब्जेक्ट है। तो बॉय यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो बॉय यहाँ पे क्या है, बॉय ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगता है, हुम लगता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हुम लग रहा है, तो क्या हो रहा है, दिस इज द बॉय हुम एवरीवन लव्स, मतलब यह वही लड़का है जिसे सभी प्यार करते हैं, जिसको सभी प्रेम करते हैं, है ना। उसी तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पर, दैट इज द गर्ल हु लव्स मी, मतलब क्या है कि वह वही लड़की है, हु लव्स मी, जो मुझे प्यार करती है, वह वही लड़की है जो मुझे प्यार करती है, जो मुझसे प्रेम करती है, जो मुझे प्रेम करती है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है क्या कर रही है, प्रेम करने का काम कर रही है, किसके ऊपर, मेरे ऊपर। तो यहाँ पे जो मी होगा ना, मैं मी जो हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये लड़की तो प्यार करने का काम इसी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये लड़की क्या हो गई, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, तो सब्जेक्ट हो गई तो भाई सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस के साथ क्या लगता है, हु लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के साथ में हु लगा, तो गर्ल के साथ में हु लग गया लव्स मी, तो इसका मतलब हुआ वह वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, जो मुझे प्रेम करती है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस है कि दैट इज द गर्ल हुम आई लव, मतलब वह वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेम करने का कार्य हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेम करने का कार्य हो रहा है,
और यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेम करने का कार्य हो रहा है ये गर्ल के द्वारा, ये लड़की के द्वारा हो रहा है मेरे ऊपर, तो मेरा मैं जो है सो यहाँ पे मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट और गर्ल क्या है सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे प्यार किया जा रहा है, प्यार करने का काम हो रहा है, लेकिन प्यार करने का काम मेरे द्वारा हो रहा है किसके ऊपर, और लड़की के ऊपर, लड़की कुछ कर ही नहीं रही। तो यहाँ पे जो गर्ल है ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई ऑब्जेक्ट जब है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो हुम लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लगा दैट इज द गर्ल हुम आई लव। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है आई मेट रहमान, मैं रहमान से मिला, हु हैज जस्ट कम, जो अभी अभी आया है ना, तो क्या हुआ कि मैं रहमान से मिला, आई मेट रहमान हु हैज जस्ट कम। तो यहाँ पर क्या है कि मैं रहमान से मिला, ये एक सेंटेंस अलग सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या है हु हैज जस्ट कम, कौन जस्ट कम, तो रहमान अभी अभी आया है, ठीक है। तो आने का काम किसने किया, रहमान ने किया, तो रहमान यहाँ पे क्या है आने का काम कर रहा है, तो भाई रहमान कर रहा है तो रहमान यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के साथ क्या लगता है हु लगता है, सब्जेक्टिव केस के साथ क्या लगता है हु लगता है। और यहाँ पर जस्ट नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें है आई मेट रहमान, मैं रहमान से मिला, होम यू इन्वाइटेड, जिसे तुमने या जिसे आपने इन्वाइट किया है, जिसे तुमने इन्वाइट किया है, मतलब मैं रहमान से मिला जिसे तुमने इन्वाइट किया है ना, जिसे तुमने बुलाया है उससे मैंने मिला है ना, मैं रहमान से मिला जिसे तुमने बुलाया। तो यहाँ पे क्या है कि रहमान से मिला ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे ये जो है यू इन्वाइटेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनवाइट किया गया है रहमान को, रहमान खुद से कोई काम नहीं किया है इस सेंटेंस के अंदर में, इनवाइट करने का काम कौन कर रहा है, बुलाने का काम यू कर रहा है, तो यू यू सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है, बुलाने का काम यू के द्वारा किसके ऊपर किया गया, रहमान के ऊपर, रहमान क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो हुम लग जाएगा, तो यहाँ पे आप हुम देख रहे होंगे। तो इसी तरह से ये है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि विच कहाँ लगता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए द कार विच यू बॉट इज रेड, मतलब गाड़ी जो वो गाड़ी जो आप खरीदे थे वो लाल है ना, जो जो गाड़ी आप खरीदे थे वो लाल है। आपको इसका मतलब हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे कैसे मैं बता दे रहा हूँ, तो आप इसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं अभी हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको इसका, मैं अभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ प्रोनाउन का पहचान करने का बता रहा हूँ, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी, बस कुछ सब्र कीजिए और इस बैच के अंदर में फ्री में आप वो सारी चीज़ें सीख लेंगे प्यारे बच्चों जो आप पेड क्लास में नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप विश्वास करें और लगातार बने रहें, और हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, या फिर आप नीचे कमेंट करिए, ताकि हम भी आपसे मतलब कनेक्ट रहें, कनेक्ट रह सकें, आपको समझ सकें आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्लासेस आपको कितनी समझ आ रही है ना। सो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखें द कार विच यू बॉट इज रेड, मतलब जो कार आपने खरीदी थी वो लाल है, तो यहाँ पे हम विच का क्यों लगाएं, तो ये हु या हुम नहीं लगाएं इसलिए क्योंकि ये आपका निर्जीव है ना। ठीक उसी प्रकार से दैट इज द डॉग विच लव्स मी, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए दैट इज द गर्ल हु लव्स मी, ठीक है, वह वही लड़की है जो मुझसे प्रेम करती है। और यहाँ पे जो शब्द है दैट इज द गर्ल के जगह पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ गर्ल है, यहाँ पे डॉग है, दोनों में साफ सेम बात है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे दैट इज द डॉग छोड़ दीजिए तो डॉग, और विच छोड़ दीजिए तो लव्स मी, यहाँ पर भी वही चीज है दैट इज द गर्ल और हु छोड़ दीजिए तो लव्स मी, है ना सेम चीज, लेकिन यहाँ पे गर्ल लग गया तो हु लग गया, यहाँ पे डॉग लग गया तो विच लग गया, क्योंकि डॉग को हम निर्जीव मान ले रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे ना हु लगा रहे हैं ना हुम लगा रहे हैं, हम लगा दे रहे हैं क्या विच लगा दे रहे हैं, दैट इज द डॉग विच लव्स मी, सेम वही बात इसका जो मीनिंग होगा वही मीनिंग इसका भी होगा। जैसे इसका मीनिंग हमने क्या पढ़ा था दैट इज द गर्ल हु लव्स मी, यह वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, वह वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, यहाँ क्या है कि वह वही कुत्ता है जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे विच हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम डॉग को निर्जीव मान रहे हैं और अंग्रेजी भाषा के अंदर में ऐसा मान लिया जाता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, मतलब अंग्रेजी भाषा इसीलिए ना जो हमारी हिंदी है उसकी तुलना लगभग वैसे भाषाओं की तुलना नहीं करना चाहिए है ना, लेकिन अपनी जो भाषा है वो बहुत प्यारी भाषा है, उसमें एक एक चीज़ को बहुत रेस्पेक्ट प्राप्त है ना, वो आप जब बोलते होंगे तब आपको खुद पता चलता होगा, कैसे मैं आपको आप कह के बुला रहा हूँ, फिर छोटे होते हैं उनको मैं तुम जो कह के बुलाया करता हूँ है ना, जो जिनको रेस्पेक्ट देना हो तो उनको आप कह के, लेकिन इंग्लिश के अंदर में वो सारी चीज़ें मिसिंग है ना। सो इंग्लिश तो हिंदी तो भाई हिंदी है ना, जय हिंदी।
खैर यहाँ पर दैट इज द डॉग विच लव्स मी, तो यह वह वही कुत्ता है जो मुझे प्यार करता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर द चेयर्स विच आई बॉट आर ग्रीन, जो कुर्सियाँ हैं जिसे मैंने खरीदा था, खरीदा जो मैंने खरीदा वो क्या है, ग्रीन है, हरी है ना, तो विच है यहाँ पे क्योंकि निर्जीव है, ठीक। उसी प्रकार से दिस इज अ विलेज विच बिलोंग्स टू मी, तो विलेज के बाद में विच लगा दिया हमने, ठीक। उसी प्रकार से और आप लगा सकते हैं वॉट और दैट लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यूज होता है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हम प्रिपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसलिए है ना इसमें ज़्यादा हम इसलिए टाइम नहीं लेंगे। ये आपका मेन मेन चीज़ हमने बता दिया है, और आपका ये जो हुज होता है, हुज मतलब होता है जैसे हुज पेन इज दिस, है ना, हुज पेन इज दिस, एक शब्द आपने सुना होगा कि यह कलम किसकी है, हुज पेन इज दिस, तो हुज के बाद में पेन आ गया वो होता है एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन जैसे कि हुज मतलब इस तरह से करके बहुत सारा चीज आता है, तो ये आप समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने इसका हुज का और वाट और दैट का या एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फिर आप कन्फ्यूजन होने लगेगा आपको, है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूजन हो, और फिर वो चीज़ें जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो फिर पीछे से वाला ये सारा चीज़ जो कवर हो गया रहेगा ना, तो वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आपके ऊपर एकदम बोझ डाल दिया जाए वैसा करने से कोई फायदा है नहीं, आपको सिस्टमेटिकली तरीके से एकदम आराम आराम से धीरे धीरे, मतलब अगर आपको चढ़ना है बिल्डिंग के ऊपर में तो भाई सीढ़ी से एक एक सीढ़ी पर अच्छे से पाँव रख के चढ़ने से फिर हम थकेंगे भी नहीं, और उसके बाद में जो है हम इजिली चढ़ भी जाएंगे, तो चाहेंगे कि हम रस्सी से चढ़े जाएं, रस्सी से तो फिर वहां से दिक्कत है ना, इसीलिए तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली तरीके से चढ़ेंगे ऊपर, इंग्लिश के इमारत का निर्माण करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन था, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आपने क्या क्या चीज याद रखना है, एक तो ये आपका डेफिनेशन है, मन करे तो याद करिए वरना ना करिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हु हुम हुज विच व्हाट एंड दैट जो होता है ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा आपका ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, वीडियो समझ में आया होगा ये क्लास, क्लास अगर थोड़ा सा कहीं कहीं होता है ना मिस्टेक टाइप का आपको लगता होगा तो आप फिर से जब रिपीट करके वीडियो देखेंगे 2x की स्पीड में कर लीजिएगा, और तब आपको पूरा समझ में इजीली आ जाएगा। इसका जो PDF है मैं नीचे दे दूंगा, और आप लोग कहेंगे तो जब हमारा प्रोनाउन खत्म होगा तो इसका एक लाइव टेस्ट का भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, लाइव टेस्ट भी ले लिया जाएगा, तो फिर आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तब, वो आप लोगों की इच्छा के ऊपर है, नीचे कमेंट करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं करूँगा मैं। और दूसरा ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या, रिलेटिव प्रोनाउन तो खत्म हो गया, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लास्ट है प्रोनाउन, उसके बाद में आपका खत्म हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम वैसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ के और फिर आपके ऊपर बर्डन देना सही नहीं है, फिर कोरोना वायरस है उसमें आपका एग्जामिनेशन भी आएगा, वो तो रुकेगा नहीं, तो आपको अच्छा मार्क कैसे लाना है 90% के पास आसपास, वो सारी चीज़ें हम मैं अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा, जो एक्सपीरियंस मेरा है वो सारी चीज़ें, उस हिसाब से आपकी तैयारी बहुत ही अजीब मतलब गजब गजब तैयारी होगी इंग्लिश की। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, अगर आपके पास कोचिंग तो अब बंद ही हो गया खैर, तो फिर आप कोचिंग की टेंशन लेना ही मत, खुल भी जाए कोचिंग ना भी जाना पड़े कोई दिक्कत ना हो, आप यहाँ दिलकश एजुकेशनल पे आ जाओ, आपको फ्री में PDFs भी मिल जाएंगी, और फिर गाइडेंस तो मेरे द्वारा आपको लल्लन टॉप मिलने वाली। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द हो जाए, है ना, बहुत दिली ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो, तो ये आपके सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता, ये आप ही कर सकते हैं। करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, और मैं नए टीचर्स को भी लेके आऊँगा मैथ्स के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, उनके नोट्स भी दिलवाने की कोशिश करूँगा। नया ऐप भी लॉन्च दिलकश एजुकेशनल का होगा, और जिस ऐप का नाम क्या होगा, दिलकश एजुकेशनल का नाम चेंज कर दिया जाए क्या, ये सारी चीज़ तो आप ही बता पाएंगे, नीचे कमेंट करिए, और वो सारे चीज़ जो है सो मस्ती से एकदम होगा सारी चीज़ें, और मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक आपकी पढ़ाई तैयारी होगी, और जो है सो बहुत ही अच्छे से आपका इंग्लिश तैयारी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 100 लाइक का इस क्लास पर एम है, तो आप 100 लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ कोरोना है इसको मजाक मत लीजिए, और घर में ही रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।